आदिल अहमद खान साहब हमारे साथ बने हुए हैं। खान साहब, क्योंकि ये तो लड़ाई चलती रहती है राज्य सरकार और केंद्र सरकार की, लेकिन आप एक नई ऊर्जा की बात, एक नई दिशा, एक नए विचार की बात कर रहे थे, लेकिन आप दिल्ली में सरकार बनाए, पंजाब में सरकार बनाए, लेकिन उसके बाद कहीं गायब से हो गए हैं। ना राजस्थान में आप ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ना आप मध्य प्रदेश में ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। क्या हुआ? ये जो फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी थी वो नज़र क्यों नहीं आ रही है फाइटिंग रेस में? देखिए रवि भाई, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाई 3 बार, एमसीडी में भाजपा के 15 साल के कुशासन को उखाड़ कर फेंका। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनी। गुजरात जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यशाला है उसके अंदर आम आदमी पार्टी ने इनके कार्यशाला में भेद लगाने का काम किया, वहां हमारे 5 विधायक जीत कर आए। गोवा के अंदर आम आदमी पार्टी ने अपने दस्तक दी। और जैसा आप कह रहे हैं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम के अंदर आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ी है। और एक बात और कह दूं, आम आदमी पार्टी विश्व की इकलौती सबसे फास्ट ग्रोइंग पार्टी है। 10 साल के अंदर राष्ट्रीय पार्टी बनी है। लगभग 3,500 पार्टियां इस देश के अंदर रजिस्टर्ड हैं और उसमें आज तीसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी है। तो इसमें जनता का प्यार, जनता का विश्वास और जनता का साथ है जो आज आम आदमी पार्टी तीसरे पायदान पर हिंदुस्तान के अंदर खड़ी है। एक बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने 2-3 बातें कही, बड़ी अच्छी अच्छी बात कही। एक तो इन्होंने कहा कि जी गारंटियां वारंटियां सब फेल है राजस्थान के अंदर। मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि वहां तो आप मोदी की गारंटी लेकर घूम रहे थे और 450 रुपए पर 450 रुपए का सिलेंडर देने का वादा कर रहे थे। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी राजस्थान के लोगों को 450 रुपए में सिलेंडर दे सकते हैं, तो हरियाणा के लोगों से उनकी क्या दुश्मनी है? उत्तर प्रदेश के लोगों से उनकी क्या दुश्मनी है? गुजरात के लोगों से उसकी क्या दुश्मनी है? इसका मतलब ये साफ है कि मोदी जी ने जैसे पिछली बार लोकसभा चुनाव में झूठे वादे जनता से किए थे, उसी तरीके से राजस्थान को छलने का काम किया जा रहा है। एक बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि जी 70 लाख रोजगार, आपको 70 लाख रोजगार तो दिखते हैं, पर आपके नेता और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब देश से कह रहे थे कि पर साल हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, 18 करोड़ रोजगार अब तक मिल जाना चाहिए था, तब आप लोग उस पर कोई जवाब नहीं देते। वो जो जुमला मोदी जी ने बोला था वो आज देश देख रहा है। 35 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस देश के अंदर, 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस देश को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है। इन्होंने महंगाई की बात की। अरे भैया, आपके नेता ही नारे लगा रहे थे कि 35 रुपए में पेट्रोल और डीजल और 350 रुपए में इस देश के लोगों को सिलेंडर मिलेगा। आज 35 साल में सबसे ज्यादा महंगाई आपके शासन में आई है। तो आपके जुमलों को, आपके झूठे वादों को देश की जनता बहुत करीब से और बहुत कायदे से जानती है। आपने कहा था बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार। आपके राष्ट्रीय नेता, आपके 3 नेता अभी आपके एक सांसद हैं जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं, उन्होंने देश के महिला खिलाड़ियों के ऊपर, उनके ऊपर आरोप है। और ये आरोप हमने नहीं लगाया है, ये आरोप दिल्ली पुलिस ने लगाया, चार्जशीट में लिख कर दिया है कि जब भी मौका मिलता था बिजभूषण जी महिला खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ करते थे। आपने उस पर क्या किया? आपने कहा किसानों की आय दुगनी करेंगे। आपके सरकार में इस देश के 750 से अधिक किसान शहीद हो जाते हैं और उसका सीधा आरोप मोदी सरकार पर लगता है, उस पर आप क्या कहेंगे? तो ये जो आप जुमले की सरकार चला रहे हैं देश के अंदर, वो जुमला देश की जनता जानती है, चाहे वो राजस्थान की जनता हो, चाहे वो मध्य प्रदेश के लोग हों, चाहे वो मिजोरम के हों, चाहे छत्तीसगढ़ के लोग हों, चाहे वो हरियाणा के लोग हों, सब आपके जुमलों को समझ रहे हैं।